नमस्कार, टीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल यातायात पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी, एसआई राम सहाय ने दिखाया वर्दी का रूप, पीड़ित कर रहा है न्याय की मांग। भोपाल यातायात पुलिस के अधिकारी की गुंडागर्दी का एक वाक्या सामने आया है। दरअसल मनीष राजपूत नाम का एक युवक जो ऑटो चलाने का काम करता है, उसने भोपाल यातायात पुलिस के एसआई राम सहाय पर मारपीट का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला 7 नंबर स्थिति विजेपी कार्यालय का है, जहां से मनीष राजपूत निकल रहा था। वहां पर तैनात एसआई राम सहाय ने उसे रोककर बदतमीजी की, साथ ही उसे आपत्तिजनक शब्द भी कहे। इतना ही नहीं, एसआई राम सहाय ने मनीष पर मुक्के भी बरसा दिए, ऐसा पीड़ित का कहना है। वहीं जब मीडिया की टीम ने वर्दी के रोब में डूबे एसआई राम सहाय से बात की, तो मीडिया से बदतमीजी करते नजर आए, साथ ही मीडिया कर्मियों को भी देख लेने की बात कही। अब देखने वाली बात यह है कि जो पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए है, अगर वही पुलिस आम आदमी के लिए खतरा बन जाए, तो फिर आम आदमी न्याय के लिए किसके पास जाएगा? ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद। नहीं, आप अधिकार है, आपने हाथ क्यों उठाया? आपके पास अधिकार नहीं है हाथ उठाने का। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप मारेंगे क्या? तो मेरे को आप चेक करेंगे ना? चेक करिए, ये देखिए मेरे पास, ये देखिए चोट लगी हुई है। नहीं नहीं नहीं, आपने मारा, चोट लगी हुई है। जैसे मैं अभी मुंह मार लेता हूँ जी, तो फिर आप अपराध दर्ज कराओगे इसके लिए? नहीं, वो अलग, सामने वाला अलग ही बोल रहा है। नहीं, सामने वाला फोटो भाई साहब, फोटो नहीं। मेरा नाम मनीष है, मैं एम पी नगर में वाटर सप्लायर करता हूँ। मैं एम पी नगर से घर जा रहा था, तो पंडित राम सहाय ने मुझे 7 नंबर चौराहे पर रोका, और रोकते ही मेरे मुँह पर मुक्के मारने लगे और अब गलत बात करने लगे, गंदी बातें, और बदतमीज से बात की उन्होंने मुझसे, और मुझे मारा और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। अब मैं किसके पास जाऊँ, किससे इंसाफ मांगूँ? और मेरे ऊपर केस करने का भी बोला, और कहने लगे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा है।